रायगढ़ जिले में एक महिला के सती होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्राम चिटका कानी निवासी महिला के पति जयदेव गुप्ता की कैंसर की बीमारी के चलते रविवार को मौत हो गई। देर शाम उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसके चंद घंटों बाद से ही उसकी धर्मपत्नी गुलाबी बाई लापता है। लापता महिला के कपड़े और चप्पल जली हुई चिता के पास मिली है। ग्रामीणों ने देर रात चिता को एक बार फिर से तेजी से चलते देखने की बात भी बताई। इस सभी परिस्थितियों को देखते हुए माना जा रहा है कि पति की मौत से दुखी महिला ने उसकी चिता पर कूदकर आत्मदाह कर लिया होगा। मामले में एसपी दिव्यांग पटेल ने कहा कि पुलिस को महिला की गुमशुदगी की शिकायत मिली है। रात तकरीबन 11 बजे तक महिला घर पर ही थी और उसके बाद से महिला लापता है। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। ग्राम चिटका पानी थाना चक्रधर नगर में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक ग्रामीण श्री जयदेव गुप्ता जी, जो कि 65 ईयर के थे, उनकी कैंसर से कल 11 बजे मृत्यु हुई थी और शाम को 5:30 बजे उनको अंतिम संस्कार दिया गया था। जिसके बाद उनकी पत्नी माता जी, जो गुलाबी गुप्ता जी है, वो शाम को करीब 11 बजे तक घर में थी। शाम को 11 बजे के बाद वो कहीं चली गई है और परिवार को अंदेशा है कि कहीं उनकी जलकर मृत्यु हुई है क्या। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है। ये पूरे मामले में जांच की जा रही है। अभी तक जो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि श्री जो जयदेव गुप्ता जी है, उनको करीब शाम को 5:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया था और जो माता जी, जो गुलाबी गुप्ता जी है, वो करीब 10:30-11 बजे तक अपने घर में ही थी। 11 बजे के बाद वो कहीं गए हैं, तो उसके बाद क्या क्या घटना हुई है उसकी पूरी जांच की जा रही है। आत्मदाह वाले एंगल पे भी जांच की जा रही है सर। सभी एंगलों पे जांच की जाएगी। महिला कब रिटायर हुई सर? महिला की उम्र करीब 57 ईयर है।